हाय गाइस, आई एम स्नेहा, वेलकम टू स्नेहा स्टिक पॉइंट। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं इयररिंग्स बनाऊंगी, वो भी सुपर क्ले को यूज करके। सो ये रही हमारी सुपर क्ले और इसे मैं आज पहली बार यूज करूंगी और इसमें हमें टोटल 12 कलर्स मिलते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, तो चेक कर लेना। तो अब मैं इसे दोबारा अनबॉक्स कर लेती हूँ बस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही अनबॉक्स करके इसे देख लिया था क्योंकि रहा नहीं जाता। फर्स्ट पीस को बनाने के लिए मैंने उठा लिया है ये ब्लू कलर की क्ले को। अब मैं इससे एक गोला बना रही हूँ और फिर ऐसे इसको स्ट्रिंग का शेप दे रही हूँ और स्ट्रिंग को मैंने मोटा ही रखा है, मैंने ज्यादा थिन नहीं बनाया। अब मैं इसको ऐसे दो इक्वल शेप में डिवाइड कर रही हूँ और इसको ऐसे कर्व कर रही हूँ। एंड देन उसके नीचे मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो करके ही येलो कलर को और फिर पिंक कलर को प्लेस किया है। अब उसके ऊपर मैं दो छोटे येलो कलर का बॉल अटैच कर रही हूँ और अब मैं जल्दी से ईयर स्टड को अटैच कर लूंगी। और इयररिंग का कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट पीस को बस एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। अगर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लगे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। अब सेकेंड पीस के लिए मैंने येलो और ऑरेंज कलर को मिक्स किया है और यार ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाता है। और उस सेम प्रोसेस को यूज करके मैं इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी फेवरेट सनफ्लावर बना रही हूँ और इसके एक एक पार्ट, इसका एक एक पेटल्स बनेगा। अब मैंने पेटल्स बनाना भी शुरू कर दिया है और इन पेटल्स को बनाने के लिए मैंने टूल्स का हेल्प लिया है, मतलब इस पैकेट में जो टूल्स आया था उसी से मैं पेटल्स को बना रही हूँ और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं टोटल 16 पेटल्स बनाऊंगी। अब मैं इनको फ्लावर की शेप में अटैच कर रही हूँ और एक फ्लावर में टोटल 8 पेटल्स रहेंगे। बाय द वे, मेरी फेवरेट फ्लावर है सनफ्लावर, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं आपकी फेवरेट फ्लावर का भी इयररिंग बनाऊंगी। अब मैं ब्लैक कलर की क्ले को लेके गोला बना के इसको फ्लावर के बीच में प्लेस कर रही हूँ। अब मैं एक पिन की हेल्प से ऐसे टेक्सचर ऐड कर रही हूँ एंड देन मैं ऐड करूंगी इयररिंग स्टड। तो हमारा सनफ्लावर वाला इयररिंग बिल्कुल तैयार है और जिसको भी मेरी तरह सनफ्लावर पसंद है वो सनफ्लावर इमोजी कमेंट करो। चलते हैं हमारी थर्ड पीस की तरफ और इसमें भी मैं एक फ्लोरल डिजाइन बनाऊंगी। इसमें भी मैं वो सेम प्रोसेस ही रखा है शुरू शुरू में कि पहले गोला बना के उससे एक स्ट्रिंग बना के उसे इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। पर अगर आपकी मेजरमेंट अच्छी हो तो आप डायरेक्टली क्ले को यूज कर सकते हो, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस क्ले से पहली बार काम कर रही हूँ तो मुझे इस क्ले को हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये क्ले बाकी क्ले से बहुत अलग है। इसका एक प्रॉब्लम है कि ये अगर एक बार आपस में चिपक जाए तो इसे निकालना इम्पॉसिबल है, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे पर निकलेंगे नहीं, तो इसको मतलब इस क्ले से बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। बाय द वे, मैं यहाँ पे टोटल 6 रेड कलर की पेटल्स बना रही हूँ। एंड अब मैं ग्रीन कलर को लेके इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके इससे 4 लीव्स बनाऊंगी एंड देन मैं इन पेटल्स को अपने हिसाब से अटैच कर लूंगी। अब मैं इन टूल्स की हेल्प से लीव्स की टेक्सचर ऐड कर रही हूँ और यार हमारी ये वाली इयररिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बस इयररिंग स्टड लगाने की देरी है। अब मैंने इयररिंग स्टड भी लगा दिया है, अब ये वाली इयररिंग भी पहनने के लिए एकदम तैयार है। सो आपको इन तीनों में से कौन सी इयररिंग सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।